हेलो दोस्तों, नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग को व्हाइटनिंग फेस पैक बताऊंगी, जो कि आप जो है विंटर में यूज कर सकते हो। अभी जैसे कि विंटर चल रहा है तो विंटर का फेस पैक मैं आप लोग को बता रही हूँ, लेकिन इसे आप समर में भी यूज कर सकते हो। तो समर में यूज करने के समय आपको कौन सी इन्ग्रीडियंट्स को स्कीप कर देना है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो ये व्हाइटनिंग फेस पैक है, आपकी स्किन को गोरा बनाने के लिए काफ़ी सहायक है। अगर आपकी स्किन कितना भी क्यों ना डार्क हो, तो जो है ये इसको इस फेस पैक का यूज करके आप जो है अपनी स्किन को फेयर कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, सांवले से भी अधिक ज़्यादा डार्क है, तो अगर नेचुरली है तो इतना ज़्यादा आपकी स्किन को फेयर नहीं कर देगा। जैसे कि आपकी स्किन फेयर है और कभी कभी डार्क दिखने लगती है या आपकी स्किन सांवली है, तो आपकी स्किन को जो है थोड़ा जो है आपकी स्किन को लाइट करेगी, आपकी स्किन फेयर करेगी। हाँ, लेकिन एक बात है कि एक दो दिन का फेस पैक आप यूज करोगे और सोचो कि आप एकदम से फेयर हो जाओ, तो ऐसा नहीं है। ये होम रेमेडी है, इसका जो असर होता है धीरे धीरे होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका आप यूज करोगे तो आपको जो है कम से कम आपको एक महीने का मौका देना पड़ेगा। एक महीने के मौका देने के बाद आप जो इसका रिजल्ट पाओगे, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसे फिर आगे भी यूज करना चाहोगे। बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट होगा, लेकिन आपको एक महीना इसको लगाइए और आप हफ्ते में इसे 3 दिन लगाइए कम से कम। हो सके तो आप इसे डेली भी यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई भी फेस पैक यूज करने के लिए हमें कम से कम 12 घंटे का जो है वो गैप चाहिए। तो जैसे कि मैं मार्केट की फेस पैक की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं होम रेमेडी फेस पैक की बात कर रही हूँ, जो हम घर पर बनाते हैं उस फेस पैक की बात कर रही हूँ कि उसको आप यूज करने के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो 12 घंटे का अंतराल चाहिए, उसके बाद आप फेस पैक को यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आज मैं जो फेस पैक बता रही हूँ वो रोज का है। तो रोज जो कि मैंने बताया था ना होममेड रोज पाउडर बनाना, तो वही पाउडर का मैं रोज जो पाउडर का मैं आप लोग के साथ ये फेस पैक शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फेस पैक है, इसे आप लगाओगे तो आपकी स्किन जो है सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम होगी और साथ ही साथ आपकी स्किन पर निखार भी आएगा। तो निखार के लिए खासकर फेस पैक है, आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, निखार आएगा। तो इस फेस पैक को लगाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सब मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है दोस्तों, अगर कुछ आपको पूछना है या किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हो कोई भी वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस वीडियो को पूरी तरह जो है कोशिश करूंगी अपलोड करने की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को जो है अच्छे से जो है इस मेकअप को रिमूव कर लूंगी। वैसे भी मैंने मेकअप को नहीं किया है, बस जो आपको दिख रहा है बस उतना ही है, कोई फेस क्रीम वगैरह मैंने नहीं लगाया। तो पहले कोई आप भी जो फेस पैक का यूज करो तो पहले अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है, चाहे तो आप साफ वाटर से ही चेहरे को धो लो या तो आप रोज वाटर से। तो मैं यहाँ पर रोज वाटर से अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो जो है आप कॉटन की मदद से पूरे चेहरे को अच्छे से पहले क्लीन कर लो, फिर कोई फेस पैक लगाओ। जैसे कि कोई क्रीम वगैरह लगी रहती है जब आप फेस पैक का यूज करोगे तो वो अच्छा नहीं रहता है, वो उसका इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है, कभी कभी जो है दाने वाने निकल जाते हैं। तो इसीलिए पहले अच्छे से जो है आप अगर कुछ भी अपने चेहरे पे लगाए हो तो पहले उसको रिमूव करो, या तो पहले से जो है उसे अच्छे से वॉश कर लो, धूल मिट्टी कुछ भी हो आपके चेहरे से निकल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फेस पैक को बनाना। तो फेस पैक को बनाने के लिए सर्वप्रथम हम इन्ग्रीडियंट्स लेंगे, यहाँ पर जो है एक पहले लेंगे खाली बाउल और उसमें लेंगे हम जो है आटे, गेहूं का आटा लेंगे। तो गेहूं का आटा ये हमारा 2 चम्मच है, तो 2 चम्मच हमने गेहूं का आटा ले लिया है। और उसके बाद दूसरी इंग्रेडिएंट्स हम मिलाएंगे एलोवेरा जेल।
तो जो गेहूं का आटा है अगर उससे हम फेस पैक बनाते हैं तो आपकी स्किन को ये वाइटनिंग करता है और ये बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। आपकी स्किन को फेयरनेस भी देता है और आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज भी करता है। ये गेहूं का आटा छना हुआ ना लीजिए, जिसमें चोकर हो उसको उसी को लीजिए, छान के मत लीजिए, क्योंकि जो चोकर होता है ना वो स्क्रब करने का काम करता है, आपके जो डेड स्किन होते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। तो दूसरे नंबर पर हम लेंगे ये एलोवेरा जेल। आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा लीव्स का भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं मार्केट वाला ही ले रही हूँ, तो इसको लेंगे। तो एलोवेरा के गुड़ तो आप लोग जानते हैं कि ये रिंकल्स पिंपल्स को मिटाने में काफ़ी सहायक होता है, रिंकल्स पिंपल्स के दाग धब्बे को, और आपके चेहरे को नेचुरली मॉइस्चराइज भी करता है। तो एलोवेरा की बहुत सारी खूबियाँ हैं, आपके बालों स्किन के लिए काफ़ी लाभदायक है। और तीसरी इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे जो है ये विटामिन ई की कैप्सूल। तो विंटर का सीजन है इसलिए हम विटामिन ई की कैप्सूल जरूर डालेंगे, क्योंकि आपकी स्किन जो है बिल्कुल ड्राई होती है विंटर में, तो इसको डाल लेंगे तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। और ये जो विटामिन ई की कैप्सूल है काफ़ी अच्छी होती है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगी और आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी मिटाने में सहायक होगी और आपकी स्किन पर ग्लो लाती है ये विटामिन ई की कैप्सूल। अगर विंटर का सीजन है तो जरूर इसे यूज करें, अगर विंटर का सीजन नहीं है तो विटामिन ई की कैप्सूल आप स्किप भी कर सकते हो, और इसकी जगह पे आप थोड़ा सा बादाम ऑयल रोगन भी डाल सकते हो या तो कोकोनट ऑयल, अगर आपके पास नहीं है तो इन दोनों इसको स्किप करके आप उन दोनों इंग्रेडिएंट्स में से किसी एक को यूज कर सकते हो। अगर आप समर में इसका इस फेस पैक को यूज कर रहे हो तो इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जगह पे कच्चे दूध में इस फेस पैक को बनाइए। तो यहाँ पर दो इंग्रेडिएंट्स हमने लिया है अभी, एलोवेरा जेल एंड ये गेहूं का आटा, और तीसरे नंबर पर हम लेंगे विटामिन ई की कैप्सूल। तो यहाँ पर मैं एक विटामिन ई की कैप्सूल डाल ले रही हूँ, और उसके बाद अब हम सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे रोज वाटर, रोज का ये पाउडर। तो ये रोज का पाउडर जो मैंने घर पे बनाया था वही वाला है। तो अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम इसको डालेंगे रोज पाउडर। तो एक बड़ा चम्मच हमने रोज पाउडर ले लिया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। और इसे जो है अगर जो है अभी मैंने कच्चा दूध तो इसमें डाला नहीं है, विंटर का सीजन हो तो आप जो है कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप जो है इसका रोज वाटर में भी आप बना सकते हो। आपको इसमें ऐसा नहीं कि आप रोज वाटर में ही बनाओ, चाहे तो आप कच्चा दूध में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं रोज वाटर से बनाऊंगी, तो इसका एक स्मूथ बढ़िया सा बेटर बना लेंगे जो आपकी स्किन पे अच्छे से लग जाए। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो है हमने फेस पैक को बना के रेडी कर लिया है, अब इसे जो है अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो हमने अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन तो किया ही है पहले ही, उसके बाद अच्छे से हम अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेंगे, और इसे कम से कम 10 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हम इसे धो लेंगे, ना तो हम बहुत ठंडा पानी यूज करेंगे ना तो गर्म पानी, बिल्कुल नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। और उसके बाद आप चाहे तो मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लें या तो एलोवेरा जेल लगा लें, जो भी आपको पसंद हो उसे यूज कर सकते हो। अगर इस तरह आप जो है एक एक दिन का गैप करके लगाते हो, आप चाहे तो डेली भी लगा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आप चाहे तो एक दिन का गैप करके लगाओ, कम से कम एक महीने आप यूज करोगे तो आपकी स्किन पर बहुत अच्छा जो है निखार आएगा। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं, लगा के आपसे मिलते हैं। तो 10 मिनट बाद हमने अपने फेस पैक को निकाल दिया, इस तरह आप लोग भी फेस पैक को 10 मिनट बाद निकाल दीजिए। और कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम या एलोवेरा जेल या विटामिन ई की कैप्सूल, जो भी आपको पसंद हो, आप उसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। और इस तरह आप डेली भी कर सकते हो, अगर आप डेली नहीं कर सकते तो 2 दिन के गैप की बात करें और किसी तरह कंटिन्यू 1 महीने कीजिए, फिर आप इतना ज़्यादा फर्क आप देखोगे कि आप जो है फिर से यूज करोगे और आपको जो है होममेड फेस पैक पर बहुत ही विश्वास हो जाएगा।
तो जो भी चीज मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है सभी नेचुरल है, कि किसी भी कोई भी ऐसा चीज नहीं था जो मैंने बाहर का भी यूज किया, जैसे कि एलोवेरा जेल या विटामिन ई की कैप्सूल और बाकी जो दो तीन इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किया सभी घर के ही थे, गेहूं के आटे या रोज का पाउडर, तो ये सब सभी नेचुरल थे, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो इसे आप यूज कीजिए और फिर अपने आप खुद फर्क महसूस करेंगे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई ब्यूटी टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।